What's up guys, कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने रहे हैं एक बार गेम. Alright guys, गेम चालू हो चुका है. बट एक चीज मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ कि ये एक बॉडी कैम गेम है. यानी आपको जो भी व्यू दिखेगा समझ लो वो ऐसे दिख रहा है कि कोई कैमरा हमारी ओके. ये गेम में साउंड नहीं है, मुझे आ नहीं रहा है. पता नहीं भाई ये क्या है. हेलो भाई साहब, कौन हो आप? ये भाग गया भाई. ऊपर कोई तो ट्यूबलाइट है, बार बार लिप लिपा रही है. मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या था ये. बट हाँ, मैं ही कह रहा था कि आपको जो भी व्यू मिलेगा वो एकदम प्रॉपर आई वाला व्यू मिलने वाला है. खैर ठीक है, यहाँ पर एक दरवाजा है, इसको ओपन करके देखते हैं. ओ गिल्टी. हम लोग कहाँ पर है यार? मुझे इतना पता था कि ये गेम ट्रेन में होने वाला है, बट मैं शायद से किसी पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ ऐसा लग रहा है. पता नहीं यहाँ पर कुछ ऐसे अलग अलग से काफी सारे रूम्स है. सब रूम में चलकर देखते हैं यार. मुझे नहीं पता ये मैं कहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ. यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस है. इसे ओपन करके देख लेते हैं भाई. क्या है ये? कि एक सेकेंड, जो नेक्स्ट दो दरवाजे हैं वो भी इस तरफ ही आ रहे हैं और ये रास्ता जा रहा है आगे को. पता नहीं यार भाई ये रास्ता एग्जिट का यहाँ पर दिखा रहा है. राइट साइड में एक कोड हो रहा है, इसमें बाद में चलते हैं. पहले एक बारी एग्जिट करके देखते हैं, यहाँ से बाहर निकल के देखते हैं कि आखिरकार ये रास्ता कहाँ पे जाने वाला है. भाई मैं सही बता रहा हूँ, हर हॉरर गेम ना बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है और ये तो कुछ ज्यादा ही अलग होने वाली है. और एक सेकेंड, मैं एक घर के अंदर से एक ट्रेन में कैसे आ गया? वेट, ये दरवाजा अभी बंद हो चुका है शायद से. मैं हेलो, मैं अभी वापस नहीं जा सकता और ये जो ट्रेन है ये चल चुकी है. पता नहीं भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, बट सामने मैंने किसी को देखा. मेरा वहम था क्या था, पर शायद से आगे वाले डब्बे में कोई चल के गया. मैं एक बार ये उठा लेता हूँ. मेरे को एक यहाँ से गन मिला है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मैं एक शायद से कमांडो हूँ इस गेम में और मैं प्रॉपर उसको मारने आया हूँ. भूत को मार दूंगा बेटा, तेरे को मारूंगा. यहाँ पर काफी सारे दरवाजे हैं जिन्हें मैं ओपन नहीं कर सकता. जब शायद से ट्रेन स्टेशन पे रुकेगी तभी मैं इसको ओपन कर पाऊंगा. ये है नॉर्थ वुड बी इमरजेंसी स्टॉप अहेड. ओके, काफी सारी चीजें यहाँ पर अलग अलग लिखी हुई है. ये है बाय द वे, ये ना ट्रेन नहीं है, ये मेट्रो ट्रेन है. मतलब ये वो वाला ट्रेन नहीं है जो सिटी टू सिटी जाता है, ये प्रॉपर एक ही सिटी में चलने वाला ट्रेन है. यहाँ पे दरवाजे दो थे, मैं ओपन करके दूसरे वाले डब्बे में आ चुका हूँ. यहाँ पर भी पता नहीं आवाज तो आ रही है अलग अलग से, कुछ समझ नहीं आ रहा. बट खैर ठीक है, यहाँ से एक बार आगे चलकर देखते हैं, कुछ ना कुछ क्ल्यू तो होगा. ट्रेन के सबसे आगे वाले डब्बे में चलकर देखते हैं कि भाई कौन है भूत जो इस ट्रेन में रह के लोगों को परेशान करता है. आज उसका तुम्हारा भाई गेम ओवर करेगा. वो तो गया भाई, हमें ये ट्रेन को पब्लिक ट्रेन बनाना है ताकि लोग इसमें ट्रेवल कर पाए. इस भूत की वजह से यहाँ पर कोई आना जाना ही नहीं कर रहा यार. वैसे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, मेरी खुद की थोड़ी सी हालत खराब हो रही है, जबकि अभी कुछ मुझे दिखा भी नहीं है. यहाँ पर एक ट्रेन मैप है, इस तरफ में भी कुछ है. काफी सारी चीजें लिखी हैं, बड़े पता नहीं क्या ही है भाई. मैं सही बताऊं, मैं ना बस दरवाजा खोल के आगे बढ़ता जा रहा हूँ और मुझे इस ट्रेन में कुछ भी नहीं दिख रहा है. मतलब एज इट इज ट्रेन वैसी की वैसी है. ना ही मैं ट्रेन के फर्स्ट डब्बे तक पहुंच पाया हूँ जहां पर से ट्रेन चल रही है. मैं वेट, कुछ तो पटरी चेंज हो, एक बार पीछे जाके देखो क्या, पता नहीं क्या चल रहा है. नहीं नहीं नहीं, हम लोग आगे ही चलते हैं. मुझे तो भाई समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या सीन है ये. अभी मैं एक बार गाइस सही बताओ ना, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा. बस मैं ट्रेन में आगे बढ़ता जा रहा हूँ, ना मुझे कोई भूत दिखा, ना मुझे कोई पैसेंजर दिखा और ना ही अब तक मैं उस डब्बे तक पहुँच पाया हूँ जहाँ पर से ट्रेन को चलाया जा रहा है. वो इंजन वाला एक डब्बा होता है ना, जैसे ट्रेन को कंट्रोल करते हैं स्पीड वगैरह. पता नहीं भाई कितनी ज्यादा बड़ी ट्रेन है, 7-8 डब्बे आगे आ चुका हूँ मैं, पर अभी तक मुझे कुछ भी नहीं दिखा. और यार सही बताऊं, बीच बीच में ऐसा लगता है कि ट्रेन रुक गई है, पर ट्रेन रुकती भी नहीं है और बाहर का भी कुछ नहीं दिख रहा है यार. बस इतना ज्यादा डार्क है, इतना अंधेरा है कि जैसे ट्रेन किसी टनल में चल रही हो. अरे कौन भूत है भाई, गोली वोली चलती है मेरी? ओ भाई नाइस, गोली वोली तो मैं मस्त चला पा रहा हूँ. शायद से मेरे पास बुलेट्स भी बहुत सारी हैं, तो अपने को बुलेट की कमी नहीं पड़ने वाली. गाइस एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे हो, सामने वाली जो लाइट है वो, वेट 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 वेट, मैं आपको दिखाता हूँ. वो जो सामने वाली लाइट है वो खराब हो रखी है, पर मैं जैसे ही इसको खोल के जा रहा हूँ वो लाइट ठीक हो जा रही है. और एक मिनट, ये दरवाजा प्रॉपर क्लोज हो जा रहा है. कोई तो चीज है यहाँ पर जो मैं मिस कर रहा हूँ यार, कुछ तो इधर है. ट्रेन रुक गई, वापस चल गई. दरवाजे खुल हुए, ट्रेन रुक चुकी है. ऐसे लग रहा है किसी ने इमरजेंसी ब्रेक मारा और सही में भाई इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई है ना मेरी. हेलो ट्रेन किसी ने रोकी भाई, कोई आया है क्या स्टेशन पे? भूत भाई देखो,
अपन बैठ के बात करते हैं, क्या सीन है? प्लीज सरप्राइज मत करना, पीछे से धप्पा मत करना, गोली मार दूंगा। वैसे यार मेरे पास गन है यार, मुझे डरने की जरूरत क्यों है? निशाना तुम्हारे भाई का हेड है, ठीक ठाक है काफी, मार दूंगा। गेट खोलकर देखते हैं भाई, मैं आगे तो बढ़ता जा रहा हूँ पर मुझे ये नहीं पता भाई पीछे कितना जाना है। क्या कोई यहाँ पर है? मुझे समझ नहीं आ रहा यार ट्रेन रुकी क्यों है। या तो कोई ये नॉर्मल स्टेशन होता जहाँ पे दरवाजे खुल जाते हैं जिससे कि मैं उतर सकता, या फिर कोई चढ़ जाता। ना कोई चढ़ा है ना कोई उतरा है, ट्रेन बस एक जगह आके रुक गई है। मुझे इसमें से कुछ which they thought was strange coming from their house as this has never happened before. पता नहीं कहाँ की न्यूज़ बता रहा है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई रेगुलर न्यूज़ चल रही है भाई मेट्रो के स्पीकर पे। और अभी हम लोग एक बार यहाँ से बाहर निकल के देखते हैं भाई, दोबारा आगे बढ़ता हूँ मैं, कुछ तो सीन है भाई, कुछ गड़बड़ हो चुकी है, वापस से वही न्यूज़। The victim, 25-year-old Emily, was described as being happy, outgoing, and full of life. ये जो गाइस रेडियो से हमें न्यूज़ आ रहा है, बार बार इस न्यूज़ का ना नेटवर्क भी अजीब तरीके से खराब हो रहा है। क्या मुझे उसमें जाके बटन दबाना चाहिए? मैं पता नहीं क्यों ट्रेन में आगे बढ़ता जा रहा हूँ। क्या है भाई क्या है? इसको बंद कर दूँ क्या? बंद हो यार, मैं इसे बंद भी नहीं कर पा रहा हूँ यार। हम लोग कौन से स्टेशन पे, कुछ मालूम पड़ पाएगा क्या भाई? क्या है ये गेम, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बस मुझे इतना समझ आ रहा है कि एक रेडियो में से कुछ अलग अलग से आवाज आ रही है। वेट, इस वाले मैप पे पहले यहाँ पर ये चार्ट नहीं लगा हुआ था, बट अभी एक ये चार्ट आके लगा। ये क्या है? ये पहले नहीं था, वो मैं से उठा लिया। इसके पीछे ब्लड से ई लिखा हुआ है और ये इनपेशेंट रेफरल फ्रॉम साइकेट्रिस्ट इंस्टीट्यूशन। पता नहीं भाई ये किस चीज का है, बट इसके पीछे ब्लड से ई लिखा हुआ था। क्या ये ई कोई कोड है या क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा भाई। ट्रेन में ऊपर ब्लड आ चुका है किसी का, पूरे में देखो ब्लड लगा हुआ है, पहले ये ब्लड नहीं था यहाँ। ये क्या है, क्या हो रहा है भाई? ये थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई, मैं जैसे जैसे ट्रेन में आगे बढ़ रहा हूँ ट्रेन चेंज होती जा रही है। The motive that led to this horrific act is still shrouded in mystery. यहाँ पर लिख कर आ रहा है Are you okay? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ओके हूँ। मुझे नहीं डर लग रहा भाई अभी तक तो, मतलब लग रहा है पर दिखाना थोड़ी होता है। भाई क्या कहानी चल रही है भाई इस गेम में, क्या हो रहा है? लाइट्स खराब हो चुकी है और ये वाला डोर देखो भाई तुम, ये क्या है? इतना ब्लड कहाँ से आ गया? यहाँ पर वापस से वाला चार्ट लगा हुआ है, क्या है अब इसके पीछे, क्या लिखा है? वापस से इसके पीछे ई लिखा हुआ है। यार कौन है भाई यहाँ, इसका मतलब क्या है? मैं इस पर कुछ कर सकता हूँ क्या? ये मुझे पेपर कहीं जाके लगाना है, क्या करना है, कुछ तो समझ आए। देखो इस वाले डब्बे में ब्लड लगा हुआ है, ये एज इट इज वैसे, ये पहले भी कैसे ब्लड सा लगा हुआ था। कुछ तो सीन है भाई इधर जो कि हमें समझ नहीं आ रहा है, हमें समझना पड़ेगा। ये क्या है, ये क्या खुला? कुछ तो खुला अजीब सा। पानी है क्या भाई? भाई ये कौन था यार ऊपर? ये गाइस वो जो भूत, भूत नहीं है भाई, ये कुछ अलग ही है यार, अलग सा एक क्रिएचर है। और आगे तो एकदम ही अंधेरा हो चुका है भाई, मुझे करना क्या है इस गेम में, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। पर मैं बस ट्रेन में आगे बढ़ता जा रहा हूँ और वो जो अलग सा क्रिएचर है वो मेरे से मजे लेता जा रहा है। पर ठीक है, देखता हूँ भाई, इसको गोली मारनी थी यार मुझे। एक मिनट वेट, अभी तो ऊपर और ब्लड आ चुका है और इधर भी ब्लड आ चुका है, लाइट खराब हो चुकी है और हर जगह ही ब्लड आ रहा है यार। क्या होगा, ब्लड हो रहा है, क्या हो रहा है? पिछली बार यहाँ पर था, इस बार किसी का हाथ है और इस बार पीछे कुछ भी नहीं लिखा।
वापिस आया तो ऊपर गोली से उड़ा दूंगा बेटे। पीछे भी कुछ नहीं है, आगे भी कुछ नहीं है भाई, कुछ तो सीन है, मुझे समझना होगा वरना जल्दी वो भूत भाई मुझे मार डालेगा। यहाँ पर तो बस ब्लड 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 और कुछ भी नहीं भाई, दरवाजों पे ब्लड, ऊपर ब्लड, नीचे ब्लड, दीवारों पे ब्लड। इसको मुझे पढ़ना शायद से जरूरी है। मर्डरर मर्डरर मर्डरर, भाई कौन है मर्डरर? पता तो चले तो मारू, ये खुलेगा? दरवाजे भी नहीं खुल रहे हैं, मेरा ना मर्डर कर दे भाई। वो कौन है भाई मर्डरर, बताओ मुझे। नोट वेस्टिंग योर बुलेट्स, यू माइट नीड देम लेटर, यू नेवर नो व्हाट माइट कम आफ्टर यू। अभी मेरे पास लिमिटेड बुलेट है क्या? मुझे तो लग रहा था अनलिमिटेड है। सम माइट से कॉलिंग योर बेस्ट फ्रेंड एवरी डे इज क्रेजी। यहाँ पे काफी सारी चीजें लिखी है, समझ नहीं पड़ेगी यार। ये वाले एरिया से बाहर जाऊं? यार मैं बाहर भी नहीं जा सकता, गेट ही नहीं खुला है। इस गेम में हमें ना कोई पजल सॉल्व करनी है, मुझे ऐसा लग रहा है। कहीं पर अगर कुछ लिखकर आ रहा है वो पढ़ते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर टू पे अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स, यू विल नीड 5 लेटर्स टू अननोन द पैडल। ओ ये है गेम, पे अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स। हमें छोटी छोटी डिटेल्स का भी ध्यान रखना होगा, कुछ भी चेंज हो रहा है, कुछ भी अगर आ रहा है ट्रेन में उस चीज को भी नोटिस करना होगा। यू विल नीड 5 लेटर्स टू अनलॉक द पैडलॉक। हमें एक ई मिल चुका है, दे आर हिडन थ्रू आउट द गेम, यू विल नीड टू कम्प्लीट द बॉडी बिफोर प्रोसीडिंग टू द एंडिंग, दिस टोटली डजंट ब्रेक द फोर्थ वॉल। ओके, हमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, इतना मुझे मालूम पड़ चुका है। अपने को ई लेटर मिला था, अब से मैं चालू करता हूँ भाई ध्यान रखना। मुझे समझ ही नहीं आया था इतनी देर से मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कुछ नहीं पता था। इधर ट्यूबलाइट कोई तो खराब है, इसको देखें इसमें कुछ है। गोली मार दूं? नहीं यार, मेरे पे बुलेट कम है। ओह गाइस, सामने देखो, सामने ट्रेन में पैसेंजर्स खड़े हैं। मैं जाऊं क्या? मेरे को समझ नहीं आ रहा, जाना चाहिए? नहीं भाई, ये तो एक्चुअल में खड़े हैं ट्रेन में। भाई देखो तुम, प्लीज जिंदा मत हो जाना, ये नॉर्मल ट्रेन के पैसेंजर्स हैं जो यहाँ आके फ्रीज हो चुके हैं। We interrupt this program with breaking news. You are a goddamn murderer. You are a goddamn murderer. You are a goddamn murderer. किसको कह रहा है? You are a goddamn murderer. You are a goddamn murderer. मेरे को कह रहा है क्या? You are a goddamn murderer. You are a goddamn murderer. You are a goddamn murderer. चुप रह, चल। भाई न्यूज आ रही है कि हम मर्डरर हैं। अब पता नहीं यू आर अ गॉडडैम मर्डरर बोल रहा है, किसको बोल रहा है मुझे नहीं पता, पर ठीक है भाई, चुप हो जा, मुंह बंद कर ले यार। यहाँ पे एक फिस्का लगा है, पुल सा है। चुप बे, अबे यार। You are a goddamn murderer. You are a goddamn murderer. You are a goddamn murderer. यार मुझे छोटे छोटे डिटेल्स पे भी ध्यान रखना है, पर सही बताऊं तो ऐसा किस चीज पे ध्यान रखूं समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं। ओह वेट, ये पहले यहाँ पर नहीं लिखा था, स्मोकिंग नहीं था। भाई देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना इस ट्रेन में बस बुरी तरह फंस चुका हूँ, करना क्या है? ओए रुको, ये जो फॉर्म है पहले भरा हुआ नहीं था, अब ये भर चुका है। यहाँ पे लिखा है MHCU नेम मर्डरर, मर्डरर डेट ऑफ बर्थ मर्डरर। जो भी बंदे ने फॉर्म फिल करा है उसने हर जगह मर्डरर लिख दिया, बट एक चीज नोटिस करने वाले, मर्डरर का डी कैपिटल है। तो यानी मुझे दो लेटर्स मिल चुके हैं, एक है ई और एक है डी, ठीक है? तो इसको मैं वापस रख देता हूँ। अब मुझे और भी ऐसे ही लेटर्स ढूंढने पड़ेंगे जो कि मुझे अलग अलग तरीके से मिलने वाले हैं। बट ये लॉक खुलेगा कहाँ से? डालना कहाँ पे पासवर्ड? यहाँ से बाहर निकलने के लिए डालना है, कहाँ डालना है? यहाँ पर एक कोड लिखा है 8805, ऊपर एक इमरजेंसी ब्रेक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि कोई फोन चला रहा है, कोई खड़ा हुआ है। ये लोग दूसरे हैं, चुप हो गया। ओ ये क्या है भाई? अभी ट्रेन में जो पैसेंजर्स हैं वो काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं, पहले यहाँ पर ये लोग नहीं थे। हेलो, किसको मर्डरर बोला जा रहा है भाई? मुझे नहीं मालूम यार, ये कैसी ट्रेन है, कहाँ आके फंस गया मैं? दो लेटर्स मिले इतनी ज्यादा ढूंढ ढांडी करने के बाद, एक ई और एक डी, और बाकी कहाँ ढूंढने हैं, कैसे ढूंढने हैं कुछ नहीं मालूम। कौन सा लॉक खोलना है मुझे? भाई ये वाला किसी ने शीशा तोड़ा, ये खोल के देखो, ये तो सेम ही है भाई, इसे रख दो। अरे चलो चलो दूसरे डब्बे में चलो भाई, जहाँ लोग हैं। यार कुछ भी हो रहा है भाई, पूरा फ्लोर रेड हो चुका है भाई, पूरा का पूरा फ्लोर चेंज हो गया यार। क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है? नॉर्थ वुड बी, एक लेटर गाइस अपना बी भी हो सकता है, ई डी बी, बट ये लॉक डालना कहाँ पर है? इस वाले एक मिनट, मैं अभी अगले डब्बे में आ चुका हूँ और यहाँ पर कुछ लोग थोड़े से पागल हो रखे हैं। इनकी गोली मार के देखो क्या, इन्हें कुछ भी नहीं हो रहा इससे।
पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में ये लोग मुझे बहुत बुरा मारने वाले हैं। मैं चुपचाप यहाँ से निकल ले रहा हूँ क्योंकि इधर कुछ भी काम का नहीं है। और अच्छी बात तो ये है कि वो जो अनाउंसमेंट चल रही थी यू आर अ मर्डरर वो बंद हो चुकी है भाई। हम लोग वापस से ट्रेन का डब्बा, मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग इस एक क्या कहते हैं लूप में फंस चुके हैं। वापस हमारी कहानी घूम के वहीं पहुंच जाती है जहां से हमने शुरुआत की है, पर चीजें चेंज होती जा रही हैं। अपने को ED दो लेटर्स मिले थे, B भी आप कह सकते हो हमें मिला है। ट्रेन की सीट्स में अच्छे से देख लेता हूं, क्या पता यहां पे कुछ रखा हो। इन आंटी की बुक में देख लेते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है। और इसको देखो भाई, भाई ट्रेन में ये तो भाई बिल्कुल ही बदतमीज बंदा। ओए एक मिनट, ये चेंज हुआ। डियर मिस्टर, नाम मिटा रखा है। I am sending you a letter because I don't know how else to contact you anymore. You have been ignoring my calls and emails, didn't even answer your door. What happened? You were making such amazing progress. The nightmare seems to stop. The voice was gone. You and Emily were in love again. Please, please contact me as soon as possible. I am getting very worried. Love, dear. भाई ये किसका मैसेज है भाई? कोई भूत प्रकट हो रहा है? मुझे नहीं समझ आ रहा भाई क्या चल रहा है इस गेम में। बस इतना पता है कि थोड़ी देर में मेरी तो बैंड बजने वाले यहाँ भाई, अगले डब्बे के लोग तो क्या हो रहा है भाई तुम लोग को, कभी तुम पागलों की तरह। हेलो, मेरे को प्लीज पकड़ना मत और देखना बंद कर। देख मत, मुझे गोली मार दू। देख मत, देखो मत भाई। क्या है ये भाई? वो आगे भी नहीं जाने दे रहा मुझे। ये क्या है? देयर इनोसेंट ब्लड इज ऑन यू। भाई ये गेम इतनी अचानक से क्यों इतनी ज्यादा खतरनाक बनी है, मुझे पहले तो ये बताओ। सारी की सारी सीट चेंज हो चुकी है। In the subways of the small town of when the tactical team leader special agent Michael मैं कुछ नहीं सुन रहा, मैं जा रहा हूं। भाई क्या है ये? गेट खोलो। वो टीवी कहां से आ गए ये? क्या चल रहा है टीवी में पता नहीं। मैं यहां से जा रहा हूं भाई, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा यार। मुझे नहीं रहना तुम लोगों के बीच भाई, मुझे जाने दो यार। गलती से चालू कर दी भाई के। भाई वो लास्ट क्या हुआ था यार? वो ये क्या है? ये किसका हाथ आ गया? ये क्या हुआ? Why couldn't you save them, Michael? अरे मुझे क्या पता माइकल कौन है, वो तो GTA 5 में, मैं कैसे बचा लूँ उसको? भाई देखो मेरे पे कोई तो पैर वैर है, मैं मार दूंगा, सही बता रहा हूँ तेरे। मेरी गन कहाँ गई यार? मत देख यार, मत देख भाई, नहीं है यार। सामने कोई खड़ा है, सामने कोई खड़ा है, बट वो किसी जेल में है। रुक जा, मैं मिल के आऊंगा, मेरे को नहीं डर लगता भाई। मैं देख के आता हूँ क्या सीन है। हाँ भाई भूत क्या? ओए ओए, मुझे दिख रहा था वो गायब हो गया। एक मिनट, एडवेंचर रेडी। भाई मैंने 500 गेम हॉरर गेम्स के लिए, पर ये कैसी हॉरर गेम है भाई? एक ट्रेन के अंदर ही इतना परेशान करोगेगा इंसान को। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने किसका बॉडी पार्ट उठा लिया भाई। ये मेरी गन भी भाई पता नहीं कहाँ चली गई, मैं करूँ क्या इसका? छोड़ो छोड़ो, आगे बढ़ते है भाई, कुछ तो हमें करना है जो की थोड़ा आगे चल के हमें शायद पता चल ही जाएगा। यार कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। और यार ये जो शक्लें हैं कितनी ज्यादा रियल लग रही है भाई, ऐसे लग रहा है कोई रियल में कोई बंदा हमें देख रहा है। यार मैं कहीं तो मिस कर रहा हूँ कुछ, इस वाली एरिया में पहले भी आया था और जैसे मैं इधर आता हूँ वो गायब हो जाता है। कहीं पर कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ जो कि मुझे देखना है। ये जो पीस मुझे मिला है मुझे कहीं तो यूज करना है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये देखो ये क्या पड़ा है, यहाँ पे एक हार्ट बना हुआ है। यू कम्प्लीट मी। ओ मुझे ये इसके बॉडी पार्ट्स ला ला के लगाने हैं और इसको कंप्लीट करना है। और वो जो टीवी है ना उसमें सारे बॉडी पार्ट्स का लोकेशन है, अभी मैं समझा। तो ये एक पजल चालू हो चुका है। नाइस, काफी देर से दिमाग चला बट चल गया। मुझे ये बॉडी दिखी नहीं थी ना, मैं तो भाई डर के मारे आगे बढ़ता जा रहा था। छी, उठाऊं कैसे इसको मैं? ओके ये पैर है इसका, उठा लिया मैंने भाई। छी यार ये क्या है, अजीब सा मन हो रहा है यार। पहली बार ले भाई, लगा दूं? लगता कैसे है? ओके लग गया भाई। तू जिंदा होने वाला है क्या थोड़ी देर में? मुझे मत मारियो, मेरा दोस्त बन के रही हो, तेरे को मैं जिंदा कर दूंगा। क्या मैंने क्या इमेजिन कर लिया यार उसके बॉडी पार्ट्स देख के। छी अजीब सा हो गया, पर ठीक है
ऐसी गेम्स की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि तभी हम लोग थोड़ा सा पता नहीं भाई, मन कर रहा है ना एक गिलास कुछ ठंडा पानी पी के आऊं ताकि जो गंदगी। अबे ये कहां से मिल गया? आ इसका छीन लिया क्या मैंने? ओह ओके 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 ओके, मैं किसी भी बंदे का बॉडी पार्ट ले सकता हूँ क्या? रुको मैं ये वाला हाथ जो है वापस से लगा के आता हूँ भाई, बस ऐसा ना हो कि मैं उस भूत को बनाऊं पूरा और वो बाद में मुझे ही मारे। ठीक है, तो एक हाथ में मैंने पहले लगाया था, दूसरा हाथ में लगा देता हूँ ये वाला, एक मिनट रुको, ये लगा दिया। अरे लगता भी तो नहीं है कभी कभी। ओह लग गया, तो दो हाथ लग चुके हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये कैसे जले हुए से हाथ है वो कैसा ठीक है, पता नहीं क्या है यार, ये बहुत गंदा है जो भी है। मुझे तो बस ये जानना है कि मैं इनका हाथ पैर तोड़ कैसे पा रहा हूँ, मान लो मुझे इसका हाथ चाहिए। पता नहीं यार क्या सीन है, मैं किसी किसी बंदे का हाथ वात निकाल लेता हूँ बट किसी किसी का नहीं निकाल पाता। खैर ठीक है, बातें करते करते मैं काफी ज्यादा आगे तो आ चुका हूँ। भाई देखो कोई और बॉडी पार्ट तुम्हें पता है तो मुझे बता दो, मुझे ना चाहिए। बेटा हाथ पैर छीन लूंगा, ज्यादा दिमाग मत खराब कर। इसका निकाल सकता हूँ क्या मैं? हाँ तो गए, पैर रह गए ना, सर भी तो चाहिए हमें कोई। अरे यार हम लोगों ने पूरा पजल वेस्ट कर दिया, वापस उसी जगह पे आ गए जहां से अबे ये क्या है, ये क्या है नीचे? भाई ह्यूमन के बॉडी का वो है क्या ये? छी भाई ये कितनी ज्यादा गंदी गेम है। ये क्या लिखा हुआ है? आई लव यू बेबी। ये कौन है भाई? देखो इसको, अरे मैंने कोई बॉडी पार्ट उठाया शायद, रुको कि मेरा हाथ है, मैंने किसी का हाथ उठाया पता नहीं, पर मैं करूंगा क्या इतने हाथ का, इस पे तो मैंने हाथ लगा दिया था ना, मैं इसे ड्रॉप कैसे करूं? ये देखो मैंने ना किसी का तो हैंड उठा रखा है भाई, तू पैर की जगह हाथ लगवाएगा? मैं एक सेकंड रुको, पता नहीं जो भी चीज थी मैंने उठा के साइड फेंक दी और अभी सब कुछ ठीक है, खड़े होके चलते हैं। लेट्स गो भाई। ये भाई पता नहीं डेवलपर ने क्या सोच के इस गेम को बनाया, मुझे तो बस ये जानना है। भाई मैं चलता चलता भाई कुछ भी नहीं दिख रहा, सामने दिख रहा है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ पर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है भाई इसमें कोई लाइट वाइट तो दे देते, प्लीज लाइट जला दो यार, प्लीज जला दो। अरे कुछ दिख ही नहीं रहा है, एक मिनट। मर्डरर मर्डरर मर्डरर, गाइस मुझे जाना है सामने बट कैसे जाऊं? ओह लाइट है मेरे पास, ये देखो लाइट एरी। अच्छा ये कोई हथौड़ा नहीं कुछ तो ये अटक रहा था, ठीक है बैठ के जा सकता हूँ मैं। अरे भाई लाइट है, शुक्र मनाओ, लाइट नहीं होती तो क्या होता भाई मेरा। लेट्स गो गाइस, हम लोग पता नहीं घुमा फिरा के वहीं पर पहुंच जाते हैं वापस। हमें उस तरफ कोई तो दिख रहा है बट जैसे हम लोग उसके पास जाने का ट्राई करते हैं हम लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। बट ये जो पजल था ना यू कंप्लीट में, हम लोग इसे काफी हद तक पूरा कर चुके हैं शायद से। यार वो जो टीवी मुझे दिखा था ना, मुझे उस टीवी में सारी लोकेशंस देख लेनी चाहिए थी बॉडी पार्ट्स की, अभी क्योंकि क्या है ना मिल नहीं रहे हैं। तो यार अब तो सचमुच में अंधेरा भी ऐसा हो चुका है कि बॉडी पार्ट ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है, कहाँ मिलेंगे? मुझे पता क्या लग रहा है, जो ट्रेन में भूत है ना वो इसी लड़की का भूत है, जो कि हो सकता है इसका प्यार अधूरा रह गया हो, आई लव यू बेबी लिखा हुआ है और बस मुझे तो लग रहा है भाई इसी का भूत है वो, इसी की आत्मा यहाँ पे भटक रही है अपने अधूरे प्यार के चक्कर में। भाई तुम हमें परेशान कर लो भाई, एक पैर दे दे यार, क्या जाएगा तेरा, दे दे यार एक पैर, ये ले गोली मार दूं, पैर दे दे यार, पैर दे दे भाई। कोई हंस रहा है? बेटा हंसो मत। अबे भाई क्यों हंस रहे हो? भाई जो लोग हेडफोन लगा के वीडियो देख रहे हैं ना भाई मत देखो, मैं तो सच बता रहा हूँ, उतार के देख लो हेडफोन, पता नहीं क्यों इतनी अजीब क्रीपी आवाज है भाई, इतना बहुत ही क्रीपी एनवायरनमेंट है भाई इस गेम का, पता नहीं मैं कहाँ आ रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ कुछ भी नहीं पता। इस बॉडी को कम्प्लीट करना है, पार्ट्स ही नहीं मिल रहे भाई, पहले अच्छी खासी लाइट थी अब अंधेरा और हो चुका है, ढूंढना भी इतना ज्यादा मुश्किल है। टीवी एक बार और मिल जाए ना भाई, टीवी में देख लूं। भाई क्या करूं कहां जाऊं? हाँ मैं सही बताऊं तो मैं सच में भी एक लूप में फंस चुका हूं, मुझे नहीं पता कि बॉडी पार्ट्स जो नहीं है वो। यहाँ एक ड्रॉर है, खुलेगा क्या? खुलता कैसे? ओ अच्छा ओके, एक मिनट दोबारा से, ठीक है ऑलमोस्ट ठीक है, इधर से खुल जाएगा। मैं इस लॉकपिक को खोल दूंगा, बस थोड़ा सा डाउन, बिल्कुल जरा सा डाउन करना हो गया। अरे कितना घुमाना है? ओह नाइस खोल दिया, क्या है इसमें, क्या है क्या भाई? ओह अच्छा हेड मिला गाइस, हेड मिल गया मुझे उसमें से। ओह तो ऐसे ढूंढने मुझे अलग अलग चीजें, लगेगा कैसे? लग गया। ओह मुझे तो नहीं मारेगा ना तू? हेलो गाइस मुझे भी पता नहीं क्या करना है बट मैंने इसे कंप्लीट कर दिया, तेरे पास आऊं क्या? गोली मार दूं तुझे भाई? मुझे नहीं पता ये क्या बना दिया मैंने, करना क्या है अब, इसको बनाया क्यों मैंने समझ ही नहीं आ रहा कुछ। अब एक बार जाकर देखता हूँ उस तरफ, वहां पर एक कोई तो दरवाजा था ना जिसमें हम लोग बार बार जा नहीं पा रहे थे, शायद अगर मैं अब जाऊंगा तो
तो क्या पता मैं उस तरफ जा पाऊँ। कुछ तो है भाई इसका। देखो यार बहुत सारे हॉरर गेम्स अलग ही होते हैं, पता नहीं क्या सोच के बनाए जाते हैं, तो उसको समझने में थोड़ा सा टाइम तो चले जाता है। अभी तक मुझे नहीं समझ आया वो भूत क्या है, क्यों है, इसको मैं क्यों बना रहा हूँ अलग अलग बॉडी पार्ट जोड़ के। पर ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ सामने की तरफ में। यहाँ के लोग मेरे पे बस हंसते हैं, ये देखो बस हंसने की आवाज आएगी। बट वो सामने वाले एरिया में मैं अब तक नहीं जा पा रहा था। अभी मैं वो भूत का बॉडी कंप्लीट कर चुका हूँ, एक बार जाकर देखते हैं अब क्या होता है, क्या मैं उसके पास जा पाऊंगा या फिर नहीं। मुझे कुछ तो आवाज आ रही है। ओह, मुझे सामने कोई तो है। तू मुझे बुला रहा है, मारेगा। मैं आ रहा हूँ, ये मेरे को दे रहा तू। अरे मुझे लगा वो मुझे मारने आया, इसने मैं डरा। क्या अजीब हॉरर गेम है यार, जो हम सोचते उल्टे होता है, डर पूरा लगता है पर होता कुछ नहीं है। हेलो भाई, लुक बिहाइंड यू, मुझे सुनाई दिया। पीछे तो कुछ भी नहीं है, वैसे आगे ही चलते हैं। चलो भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं वापस। पता नहीं ये हमें गेम क्यों इतना अजीब तरीके से डराने में लगा हुआ है। तुम लोग हंसोगे मेरे पे, मुझे मालूम है हंस लो। ओ नहीं, इस बार नहीं हंस रहे। वो रेडियो भी खराब हो गया। वो हंस रहे। मैं भाई पहुंच चुका हूँ। छी, ये क्या हो गया भाई? कहाँ मैं बॉडी पार्ट्स ढूंढ रहा था और इधर तो हाथ ही हाथ निकल रहे जमीन से। ये क्या है भाई, इतना ज्यादा गंदा गेम, मतलब गंदा इन द सेंस ये ब्लड बॉडी पार्ट्स क्यों है इसमें? क्या इंसान को ये सब दिखा के डराया जा सकता है? भाई मैं सही बता रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है क्या हो रहा है इस गेम में। कभी हाथ आ रहा है, ब्लड आ रहा है, बंदा चेंज हो रहा है सामने, कभी भूत आके मर जा रहा है। बट मैं थोड़ा बहुत और आगे बढ़ता हूँ ट्रेन में, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ अलग हो रहा है। ये क्यों हंस रहे हैं भाई मेरे ऊपर? हंसने की इतनी तेज तेज आवाज आ रही है, मैं इन्हें मार भी तो नहीं सकता हूँ ना गोली। करे तो करे क्या भाई इनका, पता नहीं कैसे से लूप में फंस गया हूँ। लेट्स गो, इसको ओपन करते हैं। सामने ये जो क्रिएचर है ना, इस तक मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ। मैं जैसे ही इधर आता हूँ, नहीं मैं पहुंच गया हूँ इस बारी। हर बार वो गायब हो जा रहा था पर इस बार मैं उस तक पहुंच गया हूँ। एक ताला है जिसको खोलना पड़ेगा क्या? ओ, इसको खोलने के लिए हमें वो अलग अलग लेटर्स चाहिए थे। हमें ई मिला था, हमको डी मिला था, बट बनेगा क्या उससे? अपने को बी भी मिला था, डी मिला था, बाकी पता नहीं क्या था। रुको यार, थोड़ी सी ढूंढा डांडी करते हैं, क्या पता कोई वर्ड मिल जाए अपने को। यार डी और ई के अलावा हमें कुछ भी नहीं मालूम है। यहाँ पे एक बी है बट बी यूज होगा या नहीं पता नहीं। ओके गाइस, तो मैंने काफी ज्यादा ढूंढा ढांडी कर लिया और सही बताऊं तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। इसके लिए मैंने नेट से ही देख लिया इसका सीन क्या है। तो जो वर्ड्स हैं वो शायद से मैंने कहीं पे पीछे मिस कर दिए थे, और इसका जो कोड है वो बन रहा है डी ई, हमने सही ढूंढा था, और पूरा बन रहा है डीमन। तो यहाँ पे वो कोड डालना है, डी ई एम ओ एन, एंटर। क्या होगा भाई इसके बाद? इसको तो हमने ही बनाया ना, ये वही वाला तो है। नमस्ते कर रहा है, नमस्ते भाई नमस्ते। क्या सीन है, वो गायब हो गया। ओ हाँ, कहाँ गया? पूरी की पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है भाई, ऐसे सीट सट गई और सामने ऐसे लग रहा है कि कोई रूम है। चल के देखते हैं भाई, अपना प्लेयर भाग गया थोड़ा तेज। एक सेकंड, ये तो बहुत ही तेज भाग रहा है। पीछे से आ रहा है क्या वो? भाई वो पीछे से आ रहा है। रुको 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 रुको, गेट खुलेगा? अरे खुल जा भाई, वो आ गया पीछे से, वो आ गया। मरा मरा, हट पीछे पीछे, इसके सिर्फ हेडशॉट ही हेडशॉट मारो। पीछे पीछे भाई, अपने पास बुलेट्स की कमी तो नहीं है ना बस? अरे रीलोड नहीं, पीछे हट, रीलोड कर, नहीं। अरे कैसे मारना है इसको? गोली खत्म। वो भाग सकता हूं मैं, मेरी बुलेट से खत्म हो गई यार। भाग 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 भाग, अरे थक क्यों गया इतनी जल्दी? वापिस आ रहा है भाई वो। क्या चीज, क्या है यार ये? ये क्या है? कुछ तो जमीन पे बना हुआ है। ए ए क्या होता है? खुल गया। हाँ अबे ये क्या आ गए? ये गेम का ग्लिच है, कहाँ चले गए हम लोग? क्या हुआ ये? We interrupt this program with breaking news.
The developer just wanted to thank you very much for playing the demo to Fractured Mind. We hope you enjoyed it enough to stick around for the full release. Okay. Why am I saying we? It's just me and this AI voice. Anyway, it will help tremendously if you wishlisted it on Steam. You don't need to buy it if you don't want to, but every click helps a lot. I won't keep you much. All right. तो ये था फ्रैक्चर माइंड गेम का डेमो वर्जन जो कि पता नहीं किस अजीब तरीके से भाई एंड हुआ है, बट हाँ यार जो भी है गेम बहुत ही ज्यादा डिफरेंट, बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से डराने वाला था इस पूरी गेम में। यार भूत ने मेरे ऊपर अटैक ही कहां करा, लास्ट में अटैक करा वो भी पकड़ ही नहीं पाया, इतनी सारी गोली मारी, ना वो खुद मारा ना उसने मुझे मारा। तो ये तो है कि भूत ने एक बार भी अटैक नहीं करा पर पूरे टाइम यार डरा के रखा हुआ था, वो भी पता नहीं कौन कौन से ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स दिखा के, कभी हाथ पैर कटा हुआ मुंह छी। बट जो भी है आई होप आप लोग को ये गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। ये वीडियो देखने के बाद ट्रेन में ट्रैवल करने से डरना मत, ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जाके लाइक कर दो। इस वीडियो पर एम करते हैं 450,000 लाइक के लिए, तो कर दो गोल कंप्लीट और कमेंट्स में जाके इसी टाइप की बढ़िया बढ़िया गेम के नाम भी बता देना जो मुझे खेलनी चाहिए हॉरर वाली। इसके नीचे सिर्फ हॉरर गेम के कमेंट्स होने चाहिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हम लोग 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। अगर आप लोग अपने भाई बहन मम्मी पापा चाचा चाची सबके फोन लेकर सब्सक्राइब दबा दोगे तो हो सकता है नेक्स्ट एक दो हफ्ते में ही पहुंच जाए। तो जाओ सब लोग सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।